बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आज के दौर में खेल और दूसरी एक्टिविटीज भी आपका भविष्य बनाते हैं। और यही कारण है कि स्कूलों में शिक्षा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के पीतमपुरा के दरबारी लाल डीएवी मॉडल स्कूल में भी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के 50 स्कूलों के करीब 1500 बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन रखे गए। छोटे बच्चों ने प्रोग्रेसिव इंडिया का संदेश परफॉर्मेंस देकर किया। आप भी देखिए एक झलक। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हर एज ग्रुप और हर क्लास के छात्रों ने अलग अलग मुद्दों को उठाया। छात्रों ने गाना गाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया तो जा ही रहा है, लेकिन साथ में वो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो न सिर्फ उनके विकास में बल्कि समाज के लिए भी काफी उपयोगी है। स्कूल में इको एंजाइम प्लांट लगाया गया है, जिसमें फलों और सब्जियों के छिलकों की मदद से इको एंजाइम क्लीनर बनते हैं, जिसका इस्तेमाल घर की साफ सफाई के साथ साथ सब्जियों और फलों को धोने में किया जाता है। This is a good eco-enzyme. It is very useful to us. We can clean our homes. We can clean vegetables or fruits. It is made up of jaggery, fruit peels and vegetable peels. इसको हम पहले one liter bottle लेंगे, उसके उसमें अगर हम इसकी 2-3 मतलब इसकी half bottle हम डाल देंगे तो फिर और फिर इसकी हाफ बॉटल अगर हम डाल देंगे और फिर हम इसको होम्स को क्लीन कर सकते हैं इससे। और मैम अगर हम इसको प्लांट्स में भी डालेंगे, प्लांट की सॉइल में, मैम तो प्लांट्स की सॉइल को भी ये मैन्योर की तरह काम करता है, मैम प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेंगे। और मैम जितना इसका बचा हुआ होता है अगर हम उसको नाली या ऐसे में डाल देंगे तो मैम नाली का भी सारी ड्रेनेज चली जाएगी। इसमें हम 100 ग्राम्स पहले हम इसमें 100 ग्राम्स फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, वी ऐड जैगरी आल्सो एंड प्लस वाटर। हम फिर इसको 3 मंथ्स के लिए छोड़ देते हैं तो फिर ये हमें मिल जाते हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल और सीनियर इंचार्ज ने इस मौके पर पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इट्स एन एनुअल इवेंट इन विच वी ऑलवेज ऑर्गेनाइज अराउंड 15 to 20 activities in which the student they perform at different levels. This is for different classes starting from lower KG till class 12th. So the coverage is at different levels for different areas.
maybe we are covering science also, we are covering communication skills area also, we are covering IT area also, and many upcoming areas which are concerned with the value education, you can say, and developing scientific and application based temperament among the students. What students aapko is waqt de rahe hain, being a principal, aap kya message dena chahenge? I would like to say, like, students, we must not curb our skills. So whatever is my interest, so I must explore that interest and I must see to it, like, how I can hone my talent in that area. Very thematic event hota hai, and health domain hamara ek hai jisme latest science ka issue liya jata hai. Bade bache maths ke upar bhi display kar rahe hain. देन कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं, बिजनॉमिक्स नाम का है हमारा एक इवेंट है जिसमें कंट्री की इकोनॉमी में जो चल रहा है उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस हैं. दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्किट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स. इस कार्यक्रम में टीचर्स के साथ साथ स्कूली छात्रों का भी बड़ा योगदान रहा. इट वॉज वेरी फाइन एंड आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज द स्कूल हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू मेक आवरसेल्व्स अ गुड मैनेजर बिकॉज in every field we go, everywhere we go, we have to manage our things, and also managing others makes us a good manager. So children were in a huge number, and there were small children also, but it felt very good. A very big thanks to our principal madam. She has helped us a lot and motivated us to help others as well. Today we had more than 1,000 students in our school and more than 100 teachers with us, so we all had to manage all the students. As a student council, we had approximately 30 to 40 students and we were managing over 1,000 students. It was a great experience. It turned out to be a bit tiring, but yes, it was a great experience. Maximum competitions hote hain, different tarah ke competition hai. It includes about robotics, computers, maths, English, Hindi. Almost every subject is covered in our school. Basically it is that it overall grooming of the children. It encourages children to come forward and show their creativity. MH1 News इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर रहा. पोस्टर और कोलाज मेकिंग कॉम्पिटिशन में बच्चों ने अलग अलग टॉपिक्स पर पोस्टर्स बनाए जिसमें देश की सभ्यता के साथ साथ सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर भी एक संदेश दिया गया है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम के आजकल काफ़ी मुद्दे सामने आ रहे हैं. मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ वहाँ बच्चों ने पोस्टर कंपटीशन में बेहद खूबसूरत कुछ पोस्टर्स बनाए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए गए हैं. ये पोस्टर एक बनाया बहुत खूबसूरत, इसमें लिखा हुआ थिंक बिफोर यू पोस्ट. आप जो आप देखते होंगे कई वीडियोज़ वायरल होते हैं, कई फोटोज़ वायरल होते हैं, तो किस तरह से पहले आप पोस्ट करने से पहले आप सोचिए, इसमें ये मैसेज दिया गया है. साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया के बारे में इस पोस्टर में जानकारी दी गई है कि अपने ई सिक्योरिटी को जब आप बैंक की कोई पेमेंट करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो उसे प्रॉपरली लॉग आउट कीजिए. व्हाट्सएप पे अगर कोई वायरल वीडियो या फोटो आ रहा है उसे यूं ही बिना परखे उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे उसके बारे में पहले सोचें कि क्या वो किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इसके अलावा यहाँ एक फ्रॉड का दिखा रखा है. देखिए आप डॉलर्स बनाए हुए हैं बच्चों ने. अ साइबर क्राइम में कौन यू एंड योर लाइफ अर्निंग्स. आपकी लाइफ अर्निंग्स साइबर क्राइम में निकल सकती हैं. ये बेहद खूबसूरत एक लड़की को दिखाया है इन्होंने व्हाट्सएप पर, वो बात कर रही है. सारे सोशल साइट्स इसमें दिखाए गए हैं. थिंक बिफोर यू पोस्ट, कनेक्ट विद फ्रेंड्स ओनली. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. फेसबुक पे आज हम जितने क्राइम एपिसोड्स देखते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि फेसबुक से फोटो वायरल हुई, व्हाट्सएप से फोटो वायरल हुई, तो थिंक बिफोर यू पोस्ट. आप अपनी इमेजेस जो डाल रहे हैं सिर्फ आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं वही, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए सेफ है या नहीं है, कोई भी आपका फोटो वायरल कर सकता है. ये एक और मैसेज है बेहद अच्छा. साइबर सेफ्टी और सोशल मीडिया इसका टॉपिक है. इसमें बेहद खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है एक बच्चे ने. इसमें भी लिखा हुआ है टू हेल्प योरसेल्फ. आप बेवजह किसी को रिप्लाई ना करें, ब्लॉक कर दें अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप हेल्प मांग सकते हैं. सरकार की तरफ से भी कई हेल्पलाइन शुरू की गई हैं, साइबर क्राइम के स्पेशल सेल बनाए गए हैं. तो आप भी जब साइबर आप क्राइम से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों को आप भी अवॉइड करें. दिल्ली से कैमरा पर्सन BS दादू के साथ MH1 न्यूज़ के लिए शिवानी.